जाना पड़ा हमें हॉस्पिटल। जय माता दी, राम राम, कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी जो है ये देखें, हम तीनों तैयार हो बैठे हैं। क्या है माता दी, यानी कि बाल सभी होगा भी बहुत अच्छे लगे भी तेरे बाल। दलवीर नागराज दीदी एक्सप्रेस में उन्होंने बोला के लग रहे बढ़िया आ रही है, लग रहा हूँ चीज कोई। और बाहर का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। दिक्कत बाकी पक्के पक्के रोड में तो कुछ नदियाँ बह रही है पानी की, ये देखो। चलो तो बहुत ज्यादा बारिश लगी है, ये देखो बहुत ही ज्यादा बारिश लगी है, ये देखो। पानी देखो कितना पानी दे रहा है, ड्रामा बनाया बोला। ये देखो कितनी ज्यादा बारिश लगी है और ये पानी यहाँ से किया हुआ है हमने, और यहाँ से एक ही नाला बना के इसका, इस तरह से इस पानी का तो कुछ करना पड़ेगा बाद में भी बरसात के दिनों में ना, मतलब यहीं से देनी पड़ेगी ड्रेन। ये पानी ये वाला जो लेंटर से आता है और एक जो आंगन से आता है वो वाला, तो ये दिक्कत है पानी की, कुछ करना पड़ेगा इसका बाद में ना। तो ये हमारे ना ना छोटा लगाना था, एक तो मेरी एक अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में, बारिश लगी है और अभी हम सबसे पहले पर्ची बनवाएंगे, तो फिर उसके बाद जो आगे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उन्होंने हमें कहा था कि 305 नंबर में चले जाइए, 305 या 4 में। तो पर्ची बनवा के फिर हम चले गए सीधे 305 में, वहाँ पे बैठे थे ये। तो यहाँ तो हम एक्सरे के लिए आ चुके थे और एक्सरे तो बाद में, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है 304 नंबर में जाएंगे हम। तो चलिए, बड़ा हॉस्पिटल है, मैं ना ऐसे नहीं बनाती वीडियो, मुझे डर भी लगता है, पर चलो यहाँ तो कौन होना करेगा। तो ये देखो हम सीधे सीधे से आए, हम पौड़ियों से नहीं गए। तुझे पहली बार आया कुत्ते का के बच्चे तेरे ब्याह था से? हाँ हाँ, यहाँ पे होना कहीं था और मुझे सेकेंड फ्लोर, ये देख 301, ये देख 304, 304 इतने किनारों के, क्या इतने किनारों के हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इनके ये चेक कर रहे थे डॉक्टर, तो इन्होंने बोला कि आपको कभी कोई ऐसी ज़्यादा इंजरी तो नहीं हुई है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अभी पिछले 2 महीनों से पहले ऐसे दर्द उठा था, उसके बाद फिर ये गिरे थे, तो भी उसी जगह पे लगी थी, तो ये चेक कर रहे थे। फिर इन्होंने ना बोला कि आप पहले ना एक्सरे करवाओ जाके नीचे 204 नंबर में। चेक किया डॉक्टर ने, तो इनको एक्सरे बोला है, 204 में चलते हैं एक्सरे के लिए नीचे। 204 यहीं से चलो,
204 नीचे पर ही जाना, तो पता है एक्स्ट्रा तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ शायद मांस फट गया था इनके ना जब ये गिरे थे जिस टाइम। ये बताया कि हमारे कुछ दिन पहले रिपीट होगी रुको, ये नहीं देखते फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर। और यहाँ पे ना लेबर रूम भी है शायद, बच्चों छोटा सा बच्चा हुआ किसी के, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे तो 5-7 मिनट बाद जो रिपोर्ट आ जाएगी। ये देखो सुनो, और यहाँ ना बच्चों का वार्ड भी है, बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न बेबी, उनको बड़ी खुशी हो रही थी, बच्चा यहाँ कर रहा था अंदर। ये आ चुका है एक्सरे, और अभी डॉक्टर को चेक करवाते हैं। एक्सरे आ गया 5-7 अरे कर रहा बस सुबह भी बोल जी, मेरे पति को बोल दिया कि शिमला जाओ, यहाँ पे इनका इलाज नहीं। कितनी बड़ी बात हो, और ये इतने डरते हैं ना, एक्चुअली इनको ना ऑर्थो के पास जाना पड़ेगा। मैं बाद में आपको पूरी डिटेल समझाऊंगी और एक्सरे भी दिखाऊंगी। तो अभी हमने सारी दवाइयाँ ले ली है, पेन किलर वगैरह दिए, इन्होंने जेल दिया एक लगाने के लिए। बाकी घर में बताती हूँ, ये रहा हमारा अर्की का हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे हो चुकी है। हमारा बहुत कम आना जाना होता है हॉस्पिटल में, उल्टरा खुद देखो यहाँ पे नागरिक चिकित्सालय अर्की, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है हमारा। ये देखो ऊपर तक बाहर से बनाती हूँ थोड़ी सी वीडियो, और ये रहा गेट, अब हम बाहर निकल रहे हैं। और हमारा बेटा कहाँ होगा इतने जी होना लेटे था, आ जा हाँ खाई तो लेंगे। नागरिक चिकित्सालय अर्की, रुको एक मिनट, और इनके ना बहुत दर्द है, ये लापरवाही बहुत करते हैं सच्ची में। तो मैं आपको एक्स्ट्रा भी दिखाऊंगी घर में बड़े ध्यान से, और ज्यादा नहीं क्या करो, खराब नहीं होना चाहिए। और बहुत प्यारा सा यहाँ का व्यू अर्की का, और हमारा बोलिया हूँ जिसके तो हनी ने लगाई है यहाँ पे गाड़ी। ये देखो कितने प्यारे से फूल पत्तियां, और एक चीज रुक वो देखो आम देखो रुक, ये बोलो ना भाई खाना किस थे, वो गड्डी आगे लगी जाओगी, गड्डी लगी जाओगी आगे गड्डी पे, इतनी रख दिए थे वो खाई क्या होना फिर तो के। ये देखो आम लगे हैं भाई, बहुत ज्यादा आम लगे इसमें, हनी बहुत ज्यादा आम लग रहे हैं ना। ये मैं ले जाती हूँ घर को एक दो आम, अब तो इनको साइको भी हो जाता है बोलते हैं अब तो, पर नहीं इनमें सच, इनको ना सच्ची बहुत ज्यादा दर्द है। और दवा की पाई नहीं, अरे किसे शिमला को रेफर किया इनको तो भैया हमारे को ऐसा ही बोला, मतलब खुश रहना चाहिए हर स्थिति में। रख देनी ऐसे तो पता क्या है, अब ऐसा है ना कि बहुत दिन हो गए इनको बोलते हुए कि आप जल्दी चेक कराओ, राम राम चलो, ये डरते हैं हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा। आज भी इनको हम जबरदस्ती लेके आए कि नहीं आज तो उनके दिखाना ही पड़ेगा है ना, आज राम राम मुझे इनको ज़्यादा नहीं भीड़ है पकड़ो देना मैं इतनी। तो अभी हम लोग बस हम निकल जाएंगे घर को, थोड़ा सा सामान, अरे कुछ नहीं है दूर है हो ट्रैफिक, अगर आप लोग देखेंगे तो वो रहा ऊपर हॉस्पिटल, और मेरा हनी है जा रही है ना, हनी रुक ही नहीं आता, ये इतनी बोले था से कि नहीं भाई इतनी मिलो इसे भांडे देखिए तुझे ना, तुझे तो बोले था
क्या तेरा बुला दू इसके ना बहुत तू जान ले मैं यहाँ पे सब्जी तो नहीं हूँ ये तिलाई सको है नहीं है ना तो यहाँ पे ना ये देखो मैं ना मिट्टी के बर्तन ढूंढ रही थी वो आगे जैसे दिख रहे हैं मेरे को पर जैसे मेरे को चाहिए ना सब्जी बनाने के लिए वैसे नहीं मिल रहे मेरे को और फिर मैंने हनी को बोल दिया इनसे नहीं चला जा रहा मैंने कहा तू आजा गाड़ी लेके और वो रहा है बर्तन नीचे मिट्टी के पर थोड़े से है मुझे लगता नहीं कि तुझे परोखा पर इसी ने और इन्होंने ना लापरवाही कर दी अब ज्यादा दिक्कत हो गई है पता नहीं मैं तो पतीलियां लेनी थी पर पतीली टाइप तो है नहीं थी हाँ जी पतीलियां नहीं है पतीलियां छोटे जी सब्जी सुब्जी बना ये देखो यहाँ पे मुझे ये बर्तन मिल गए और हाँ जी नमस्ते भाई जी इन्हों के क्या रेट है पतीली आ रहे माटी आ रही पतीली आज दसो आप बारे हो गए तो ये जी बर्तन तो बढ़िया मिल गया मेरे को यहाँ पे ये की वाली पतीली और ये पता नहीं क्या है सुराही होनी शायद कितनी सुंदर है ना ये और ये घड़े हैं बाकी ये वाली पतीली है जो कि बहुत सुंदर है यहाँ पे मेरे को साइज मिल गया जो मैं लेना चाहती हूँ डाल लीजिए कि नहीं ना चूल्हे चाले पाते चढ़ी जाया करने ना कोई दिक्कत तो नहीं होगी अरे देखो कितनी अच्छी होती थी पुराने टाइम में दादा वगैरह हमारे ना क्या बोलते थे इसको क्या बोले ना कटोरी कली में तंबाकू पीते थे इससे और ये भी मिट्टी की है बहुत सुंदर है घड़े भी ये सुराइयां है नीचे पानी की सुराइयां इस तरह से हुआ करती थी उसके लिए ना पक्के नहीं चाहिए इनके लिए इसलिए मैं एक दो ही लेके जा रही हूँ इनके लिए कच्चे सही रहते हैं ये हमने खरीदे हैं और दो मेरे पास घर में भी है मिट्टी के रखे हुए हैं आज का वीडियो जो था वो मैं यहीं पे इसका एंड कर रही हूँ और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी वो एक्स्ट्रा भी दिखाऊंगी हो सकता है हमें कल तक शिमला जाना पड़े मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या बोला है उन्होंने वो एक्सरे में साफ साफ दिख रहा है बाकी एक्सरा बोलते हैं हम अपनी भाषा में एक्सरे लोकल भाषा में वैसे एक्सरे बोलते हैं तो सभी बैठे अभी हम यहाँ पे चारों सानू आगड़े जो सानू आगड़े जो ये रोज नेरा तो एक मैं फोटो ले रही थी सबका और फिर हम आते आते हमने कुछ ग्रोसरी का सामान लाया वो आपको दिखाएंगे कल वाली वीडियो में हिमाचली और राउंडर पे जरूर जाना देखना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना मैंने एक दिन भी कहा था आप लोगों को कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और क्या दिक्कत है कल वाली वीडियो में आपको बताते हैं और मिट्टी के बर्तन भी जो मैं क्या क्या लेके आई वो भी आप लोगों को बताऊँगी कल तो मिलते हैं अब कल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करना शेयर करना हो सकेगा पॉसिबल तो अपने फैमिली फ्रेंड्स कहीं भी तो जय माता दी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना जय माता दी।